नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। हमारी दुनिया में ऐसे काफ़ी सारे देश मौजूद हैं जिनके बीच दुश्मनी कई दशकों से चलती आ रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी हल नहीं निकल पाया है। और इन देशों की लिस्ट में कई सारे नाम आते हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान, रशिया और यूक्रेन, अजरबैजान और आर्मेनिया, और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। इन सभी देशों में सालों से जंग चलती आ रही है जिससे कि लाखों लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन देशों के अलावा दुनिया में दो और ऐसे देश मौजूद हैं जिनकी जंग की वजह से पूरी दुनिया दो ग्रुप में बट गई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं इसराइल और फिलिस्तीन देश की, जिनकी जंग 70 साल से भी ज़्यादा से चलती आ रही है, लेकिन फिर भी उसका कोई हल नहीं निकल पाया है। हाल ही में फिलिस्तीन और इसराइल एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि फिलिस्तीन के संगठन हमास ने पिछले शनिवार को इसराइल शहर पर 5,000 रॉकेट से भयानक हमला कर दिया, जिसमें इसराइल के काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई और पूरे देश में तबाही का मंजर बन गया। आपको बता दें कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच की ये जंग दोनों ही तरफ से आक्रामक अंदाज में लड़ी जा रही है। अगर एक तरफ से एक मिसाइल दागी जाती है तो वहीं दूसरी ओर से उससे कई गुना अधिक मिसाइलें दागकर जवाब दिया जाता है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा है वो ये है कि आखिर क्यों इतने बड़े पैमाने पर यह जंग लड़ी जा रही है। तो फिर चलिए आइए जानते हैं आज की हमारी इस खास पेशकश में, क्या है युद्ध का इतिहास। आपको बता दें कि फिलिस्तीन और इसराइल के बीच विवाद की नींव प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 1914 से 1918 में ओटोमन साम्राज्य की हार के साथ ही पड़ गई थी। दरअसल फिलिस्तीन पर पहले ओटोमन साम्राज्य का शासन हुआ करता था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर पूरा कब्जा कर लिया। उस वक्त तक इसराइल नाम का कोई भी देश नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस समय फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक और अरब बहुसंख्यक हुआ करते थे। उस समय एक तरफ जहां यहूदियों का ये मानना था कि ये उनके पूर्वजों का घर है, तो वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनी अरब भी इस क्षेत्र को अपना दावा करके बताते थे। और बस इस तरह से फिलिस्तीन इसराइल विवाद की शुरुआत हो गई। इसके बाद 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव 181 को अपना लिया, जिसके तहत ब्रिटिश शासन के अधीन फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने का फैसला किया गया। साथ ही इस प्रस्ताव के तहत यरूशलम को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला भी किया गया। वहीं आपको बता दें कि मान्यता मिलने के बाद इसराइल ने जैसे ही अपनी आज़ादी का ऐलान किया तो इसके महज 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन करीब एक साल तक इस लड़ाई को लड़ने के बावजूद अरब देशों की सेनाओं की हार हो गई और अंत में ब्रिटिश राज वाला ये पूरा हिस्सा तीन भागों में बट गया, जिसे इसराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का नाम दिया गया। कौन सा देश किसके साथ? इसराइल और फिलिस्तीन के युद्ध की ताजा खबर आपको बता दें कि इन दोनों देशों के बीच चल रहे घमासान युद्ध में दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ भारत, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन और कनाडा जैसे देश इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान, पाकिस्तान, लेबनान, यमन और अफगानिस्तान जैसे देश फिलिस्तीन को अपना समर्थन देते नजर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक अफगान तालिबान ने तो इस युद्ध में शामिल होने के लिए ईरान, इराक और जॉर्डन से परमिशन भी मांगी है कि वो अपने अपने बॉर्डर खोल दें ताकि उनके लड़ाके मध्य पूर्व में शामिल हो सकें। इसके अलावा आपको बता दें कि इसराइल और फिलिस्तीन में स्थित भारतीय दूतावास ने भी
सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी है। दूतावास ने अपने परामर्श में ये कहा है कि इसराइल में वर्तमान स्थिति को देखते हुए वहां मौजूद सभी भारतीय नागरिकों से ये अनुरोध किया जाता है कि वो सतर्क रहें और स्थानीय अधिकारियों की सलाह के अनुसार सुरक्षा नियमों का पालन करें। हमारी अभी की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, जल्द हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें ABC News।